आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जॉयसी और हमारा आज का वचन है मत्ती की पुस्तक 11वां अध्याय। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसली बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और ना पीता और वे कहते हैं उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है।